बिग सुपरमार्केट असरन चौक व जी बाबा राप्ती नगर में स्थित शॉप में सिस्टम को ऑनलाइन रिमोट से एक्सेस कर इनवॉइस बिल को चेंज करके ठगी करने वाले चार अभियुक्तों मनोज मोती रमानी, आकाश श्रीवास्तव, राजू विश्वकर्मा उर्फ गोरख और अमन चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त इंदल लोना को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर सपा के पूर्व मंत्री व एमएलसी चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी की अध्यक्षता में सपा के पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि, कहा जनेश्वर मिश्रा ने हमेशा किसानों और गरीबों के लिए किया था संघर्ष। बीएसए रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में चल रहे दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव का हुआ समापन। जनपद के सभी बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दक्ष बनाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर सिविल डिफेंस के द्वारा चेतना तिराहे पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 50 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान, रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में भारतीय संस्कृत निधि इंटेक गोरखपुर अध्याय द्वारा खाना खजाना क्षेत्र के खाद्य विरासत पर पोस्टर तथा लेख प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 12 विद्यालय के बच्चों ने किया प्रतिभाग, प्रतियोगिता में अपने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। और रविवार को हजारों की संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर चढ़ाया पवित्र आस्था की खिचड़ी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, कहा गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद।